भगवान राम और लखन के सामने आती है। भगवान राम और लखन को गुरु विश्वामित्र दिन प्रति शिक्षा दिया करता था। दिन प्रति छोटे छोटे पत्तों के बीच में दोनों भाइयों को बाण चलाना सिखाता था। एक दिन भगवान बैठ करके मन विचार किया कि अब दोनों शिष्य शिक्षा में संपन्न हैं, लेकिन इनका कर्तव्य बहुत बड़ा है। ये कर्तव्य के अनुसार भक्त वंश की लाज बचाएंगे। रघुकुल की रीत चली सद बढ़ाई और दोनों भाई बड़े चतुराई। कि दोनों भाइयों में कितना बल है, कितनी शक्ति है, इनको बिगर ज्ञान दिए ही प्राप्त हो रहा है। भगवान विश्वामित्र खुद जान गए थे कि ये तो खुद आपू आप है, इनको शिक्षा देने की जरूरत क्या है। लेकिन जब तक गुरु ज्ञान नहीं मिलता है तब तक वो संपन्न नहीं होता है, चाहे साक्षात भगवान ही क्यों नहीं हो। तब उसी समय गुरु नाम मुंह से निकलता है और गुरु नाम मुंह से निकलते समय कहता है कि जाओ, आज तुमने भगवान राम मुझे गुरु बना करके बड़ा लज्जित किया है। आपकी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपको वो आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक धर्तराष्ट्र मान रहेगा जब तक तुम्हारे माता और पिता का नाम रहेगा। अब आती हुई धेतनी को देख करके अर्जुन जो आगे बढ़ करके अपने दोनों धनुष बाण चलाते हैं और तारका का वध करते हैं। तारका का वध करने के पश्चात गुरु विश्वामित्र अति खुशी मनाता है और दोनों को अपनी गोदी में बैठा करके सिर पुचकाता है और सिर चूमता है और एक राम और लखन से कहने लग जाता है तो क्या कह रहा था और किस प्रकार से राम और लखन दोनों अपनी गुरु की बात को नारायण स्टूडियो अजीतगढ़ जब गुरु देखो तो राजीव गो अर दुनिया में गोदी में बैठा कर धरो शीश पर हाथ अर जग में तेरी माया में गुण जान त्रिलोकी का नाथ अर तारका को वध करो जियाई पाप्या में यमलोका का दर्श दिखा की मुन मिलगी पूरी देख से होत अरजे कोई रात से मिले गो तो जीव गो दीगा होत अर रामचंद्र जी कर उतार भूमि मारे अब भूमि को बार अठावे गो जब प्यारा मन में दरबा लागो खास अरदा टोड़ो खिल गयो जी को चेहरा को पर खास अर अब कर गो पाप्या को सुन ले क्यों ना नास अर दुनिया में देशिक शरात काट अब काशी जी को बहन उगायो या गई देख बढ़ावे
जतीर जो मजना मजना सजा बोला बोला। अरे मेरे पोसागर से नैया पार लगावे Subscribe, share, comment.